हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है सैटरडे और बढ़िया में मेरा लास्ट डे। कल मैं चली जाऊंगी फाइनली घर। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। कैसे टाइम बीत गया बिल्कुल भी पता नहीं चला, बिल्कुल भी पता नहीं चला। देखते देखते पूरा एक महीना, हाँ एक महीना में दो ही दिन कम है और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। सो मैं एक आध दिन और रुकती, ज़्यादा नहीं तो एक आध दिन तो और रुक जाती कल। सो मुझे जिस दिन आना था पटना, उसके एक दिन पहले मैं मौसी के घर गई ताकि मैं मौसी से भी मिल लूँ और वहाँ जाके दर्शन भी कर लूँ, क्योंकि फिर पता नहीं एक साल बाद आऊँगी कि डेढ़ साल बाद आऊँगी कि 6 महीने बाद जाऊँगी, पता नहीं। सो इसीलिए मैं मंदिर चली गई, क्योंकि मंदिर आने में एक अलग टाइप का सुकून और शांति है। एंड मैं एक महीना रह गई वहाँ पे, सो बहुत अलग टाइप का वहाँ पे अटैचमेंट है। और मैं दो तारीख तक मैं रह लेती, बट मैं नहीं रह पाई क्योंकि सम रीज़न। सो उस वजह से, और ये रहा मंदिर। मैं उस दिन बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाई थी, बट आज मैं शाम को गई थी तो मैं अच्छे से दिखा पाई। एंड बहुत सुंदर सा मंदिर है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे शूट की, उसके बाद फिर अच्छे से दर्शन वर्शन करके मैं फिर घर आ गई। तो हम लोग आए हुए हैं मंदिर। सो मैंने आज सोचा कि चलो आज आई हूँ तो शूट कर लूँ, आप लोग को पूरा मंदिर दिखाऊँ, क्योंकि पिछले बार पूरा मंदिर नहीं दिखाया था मैंने, ऊपर वाला मंदिर मैंने नहीं दिखाया था। तो पहले मैं प्रणाम कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊँगी। तो ये है ऊपर का मंदिर जहाँ पे नव दुर्गा का स्थान दिया हुआ है, और यहाँ पे सब लोग बैठ के रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, जैसे भी आपको मन करे। यहाँ पे देखो अभी भी रात का टाइम था, फिर भी दो चार लोग बैठे हुए थे, और लिटरली बहुत सुकून बहुत शांति है यहाँ पे आके। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अगर जो भी ये मंदिर गए होंगे जितने भी लोग, तो वो रिलेट करते होंगे। बहुत बहुत अलग टाइप का आपको एक पीस मिलता है। एंड उस दिन मैं इतना ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ये हो रही थी। सो घर से आने का वो लग रहा था कि घर से चली जाऊँगी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बट कोई ना, फिर दोबारा जल्दी जाऊँगी। सो मंदिर में रुकी गई थी तो सोचा चलो आरती भी देख के जाऊँ, क्योंकि मंदिर की आरती भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पे ना जितने भी लोकल्स हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि शाम का आरती वो लोग जाके वहाँ पे जाएं और आरती देख के आएँ। पहले तो उतना नहीं था, क्योंकि पहले उतना सेफ्टी इश्यूज बहुत सारे थे हमारे वहाँ पे, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग जाते हैं और लिटरली आरती इतना सुकून इतना शांति वाला होता है ना। और मैं ना जाने कब से एज़ इट इज़ ऐसे ही आरती देखती आ रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुकून बहुत शांति है इस मंदिर में। सो एंड आरती वारती हो गया, उसके बाद फिर मैं घर आ गई, उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं की। सो गुड मॉर्निंग, अब हमारे जाने का वक्त हो गया। सो कैसा लगा है बुआ, कैसा लगेगा? इतना ये लड़के को भुकाई है पूरा एक महीना। लिटरली हम सुबह उठते थे बकर बकर करके रात सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे फिर बकर बकर करके रात में सो जाते थे। अब तो बकर बकर करेगा नहीं, हम बोला हम फोन भी नहीं करेंगे, सब करेगा। सो हम जा रहे हैं, फिर आएंगे कब, देखो कब आते हैं। डेढ़ साल पे आएगी और क्या है। पता ही नहीं चला कैसे पूरा टाइम ऐसे ऐसे निकल गया पूरा, बट कहीं ना वहाँ जाना भी अब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़रूरी नहीं होता तो हम दो चार दिन और एक्सटेंड कर देते, या ये वीक और एक्सटेंड कर देते, बट नहीं, मेरा कल पटना में प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बाबू का वैक्सीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा काम भी बहुत ज़रूरी है, बैंक जाना है हमको, उसका भी बहुत ज़रूरी काम है, सब मैं टाल नहीं सकती। एक दिन भी एक्सटेंड करूँगी तो मेरा खुद का बहुत लॉस हो जाएगा। और धनवी को मैंने आज जींस और शर्ट पहना था, क्योंकि धनवी के पापा को पसंद है, वो जींस और शर्ट वेयर करती है। तो सो शर्ट तो ठीक है, उतना ढीला नहीं हो रहा। सो जाने से पहले सोचे लास्ट टाइम रामदेव मामू का कचौरी खा ले यार, पता नहीं कब मिले। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो
मैं आ गई फाइनली पटना। सो मैं कल ही आई, मतलब 2 अप्रैल को आई। रीज़न मन नहीं कर रहा था कल वहाँ रहने का बिल्कुल भी नहीं, और काम भी काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे, तो मैंने बोला कि चलते हैं। कल मन नहीं लगता यार, वो आ जाता है। इवन आज भी मेरा वही हाल है, बट मैंने बोला नहीं चलो ठीक है। अभी का टाइम ऐसा है ना कि अगर आप अपना दुख दर्द या अपने अंदर का बात किसी को बताओ तो लोग बस इसको या तो लाइटली ले लेंगे, या तो उसको मजाक के तौर पे लेंगे, या तो उस चीज़ का मज़ा लेंगे। सो वो मुझे तीनों नहीं कराना। पहले थोड़ी सी इमेच्योर थी तो लोग करते थे, बट अभी नाउ नहीं, ऐसा नहीं है। एंड कल मैं जब आ रही थी तो रीज़न भी था बहुत स्ट्रॉन्ग कि मन नहीं लग रहा था आने का, और घर से भी आ रही थी तो काफ़ी टाइम रह गई थी। एंड सब कोई बहुत इमोशनल था। बुआ बहुत रो रही थी, मतलब मौसी की जो बेटी, वो बहुत रो रही थी। उसको ले आती बट अभी उसका रिज़ल्ट वगैरह नहीं आया है, तो इसलिए उसको लेके नहीं आई। तो बुआ बहुत रो रही थी बहुत ज़्यादा। एंड बगल अगल में सब छोटू कोको सब बहुत रो रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था उसे। सो आई डिडेंट शूट एनी थिंग बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा था मन। और कल मुझे मन सुबह मैं सोची थोड़ा नॉर्मल रहूँ, बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया मन अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग घर आए तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग खाना पीना खाए और सो गए। फिर सुबह उठे तो सुबह काम वाम में लग गए। अभी मैं जा रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट, ऑफिस जाना है क्योंकि आज मैम ने बुलाया है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई, बट उन्होंने बोला कि आप आओ। मैंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ, ऑफिशियली ऑफिशियल कुछ काम है तो, बट उन्होंने बोला नहीं यू हैव टू कम, तो मुझे जाना है। तो देखती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ क्या रीज़न है। नहीं है अब, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, बट अभी भी मैं बहुत लो लो फील कर रही हूँ। बिकॉज मुझे ना वो, मैंने जैसे पहले के व्लॉग्स में बताया, मुझे मोशन सिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो कल मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद मैं बहुत वो डिहाइड्रेटेड टाइप फील कर रही हूँ, और पटना मतलब कंपेयर टू बरैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है मेरे को। आई डोंट नो वाई, आई थिंक वहाँ का घर थोड़ा सा वैसा पुराना सा है, तो अभी भी उतना गर्मी जैसा फीलिंग नहीं आया। गर्मी है वहाँ भी, घर में गर्मी नहीं लगता, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो घर में ही रहती हूँ, सो दैट्स वाई। एंड यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा एडजस्टमेंट में, पता नहीं मैं अब इस घर में प्रॉब्लम है या यहाँ पटना के वायु में दिक्कत है, आई डोंट नो वाई। मैं जैसे ही पटना एंटर कर रही थी मन एकदम अजीब उदास उदास सा हो रहा था। तो देखती हूँ, बाकी तो आज मेरा क्लास भी है, तो क्लास भी करना है मुझे, तो 4 बजे से पहले अगर मैं चली गई मिलने के लिए तो ठीक है, नहीं गई तो मैं नहीं जा पाऊँगी फिर, बिकॉज मेरे क्लासेस है, तो मैं क्लास तो नहीं ड्रॉप करूँगी। बिकॉज मेरा एक दिन का भी क्लास मिस हो, जिस दिन बाबू का बर्थडे था ना उस दिन का क्लास मेरा मिस हो गया है। सो मुझे अभी बार 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 स्टूडेंट से टीचर्स से पूछना पड़ता है कि उस दिन क्या हुआ था क्या हुआ था। एंड मैम तो मैम मतलब जैसे मेरी जो मेंटोर, उन्होंने तो बोला चलो ठीक है मैं एक छोटा सा ब्रीफ तुमको दे दूंगी, बट फिलहाल तो उन्होंने भी नहीं दिया है अभी। और जो मेरे क्लास के बैचमेट्स हैं तो वो बस ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा बताया है, तो उतना मेरे दिमाग में नहीं गया। बाकी मेरा फ्राइडे को, मतलब इस फ्राइडे को टेस्ट वगैरह था क्लास में, एंड मैं शेयर करूँगी उसका वो। तो आई फील रियली प्राउड कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ धीरे धीरे, एंड मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। सो मम्मी ने बोला कि हाँ हम तुमको पढ़ने का टाइम दे देते ना, इससे तुम्हारा नंबर अच्छा है। बोले अच्छा, और हम तुम टाइम नो पढ़े ही नहीं तो, ऐसे ऐसे करके। तो चलो ठीक है, अगर आप अच्छा करते हो तो आप खुद में ही आपको मोटिवेट होने का एक वो मिलता है, सो दैट्स वाई। एंड प्रोजेक्ट भी करना है मेरे को,
नहीं, मैं हिम्मत ही नहीं कर रहा यार कि हम उठे और कुछ करें यार सच। और मुझे खांसी काफ़ी ज़्यादा, सूखा खांसी हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो कभी कभी खांसते खांसते मतलब हाफ जाता है। तो मैं अभी जाऊँ, जब बाहर जाऊँगी तो कफ सिरप भी लूँगी। बट यार मैंने कफ सिरप वगैरह भी लिया, दवाई भी लिया, एंटीबायोटिक भी लिया, बट मुझे कुछ फ़ायदा नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब वहाँ का दवाई नकली है कि वहाँ का दवाई मुझे जम नहीं रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मल जो टॉन्सिल में एजिथ्रोल वगैरह लेती हूँ वो वहाँ भी सेम दवाई ही ली हूँ, उसके बाद भी वहाँ नहीं मेरा कमा। तो देखती हूँ, और बाबू को भी सर्दी खांसी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, सो उसको आज वैक्सीन नहीं लगेगा। उसको कोल्ड है काफ़ी खास, अच्छा खासा है, और यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर रही है अभी। सो एंजॉय माई ब्लॉग्स एंड बाय। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी हो रहा है शाम ऑलमोस्ट, हाँ 6-7 बज गया, शाम ही हो गया है। सो मेरे क्लास ख़त्म हुए हैं, मैं बैठी हूँ, और धनवी को देख के बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि धनवी सबको बहुत मिस कर रही है, सबको बहुत मिस कर रही है। सो बहुत उदास है, बहुत सैड सी, शांत शांत सी है। सो अच्छा नहीं लग रहा उसको देख के, बट क्या कर सकते हैं। धन भी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, उसको मतलब यहाँ जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ वहाँ पे छोड़ के उसको कहीं भी दिल नहीं लगता था, कहीं भी नहीं। चाहे वो दादी घर चली जाए, चाहे वो कहीं चली जाए, उसको मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। बट पता नहीं बढ़िया के वाइफ के साथ उसका वाइफ ऐसा मैच हो गया, और वहाँ पे सारे लोग उसको इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उसको लग रहा है थोड़ा सा। तो हम अभी उसको भेजे हैं चंचल के यहाँ पे, थोड़ा सा घूम ले, मन फ्रेश हो जाए। बात बात पे रो रही है, थोड़ी सी अजीब सी हो, क्रैंकी सी हो रही है। भी आप मम्मा को प्यार करते हो? आप मम्मा को प्यार करते हो कि पापा को प्यार करते हो? धनवी, आपको पता है एक बात, सुनो ना सुनो ना, ये कौन है, ये कौन है? धनवी है, पता है? धनवी, आप पेटू में जब थे ना तो आप बहुत प्यारे बच्चे थे। डॉक्टर सब बोलते थे ना कि आपका जो बेबी है ना बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्स है, ठीक है। फिर बीच बीच में आपको ना मिर्गी आता था, फिर आप बीमार पड़ जाते थे पेटू में। उसके बाद फिर आप मम्मा को बहुत परेशान करते थे, मम्मा बार बार जाके एडमिट हो जाती थी, बार बार मम्मा को डॉक्टर बुला लेता था अपने पास, बहुत मम्मा बीमार हो जाती थी जब आपको मिर्गी आता था तो, ठीक है। तो मुझे लगा वो पेट तक ही रहेगा, फिर जब आप सच में आ गए हमारे पास तब तो आपको हर दिन मिर्गी आता है, हर दिन आप पागल बनाते हैं मम्मा को। अब मम्मा डेली डेली बीमार हो जाएगी तो फिर किसको परेशान करोगे आप? तो थोड़ा सा सुधरोगे? अभी भी वैसे ही रहोगे आप?